बीच में चौकी मत रखो बेटी, इधर आ जाओ। पर्दे पर आएगा तो आप पढ़ नहीं सकते, लेकिन सुन सकते हैं। ये लोग पढ़ेंगे तो पढ़ लेंगे, नहीं तो आपको हम सबके मोबाइल पहुंचा देंगे। मत दिखाओ, मत दिखाओ, बंद कर दो उसको। आप सबके मोबाइल पर आज दो तीन चीज़ें भेजेंगे, एक आधा घंटे की पिक्चर भी है जो आपको देखनी है, सभी के मोबाइल पर भेज देना भैया, जो तुम समझते हो तुम्हारे कैसे भेजते हो। हाँ, ग्रुप में भेज देना, है ना। एक पिक्चर डालेंगे, एक ये आज का लिखा हुआ डालेंगे, और एक ऐसी फाइल भी है उसमें जिसमें सारे इलाज की लिस्ट है। मैं मुझे मालूम है आप मुझे अभी हाल ही हैरान करने लगोगे, क्योंकि मिथ्या दूर करने की जितनी चिंता हमें नहीं है। शरीर के आरोग्य की चिंता लगभग सबको है। पीछे की खाली कुर्सी हटा दे। पीछे की खाली कुर्सी हटाओ, मैं कह रहा हूं। एक के अंदर एक बंद कर दो। आठ मिनट हो गए हैं, इसके बाद आने वालों को कुर्सी की ज़रूरत नहीं पड़ती। जिन्हें कुर्सी की ज़रूरत है वे टाइम से आ जाए करें, बीच में खटर पटर करेंगे बहुत दिक्कत आएगी। अनुभव आ गया, पर्दे को बंद नहीं करते, पर्दे को बंद कर दो। हेलो, जय श्री ओम नमः सिद्धिवे, ओम नमः सिद्धिवे, ओम नमः सिद्धिवे। नमो अरिहंतानं, नमो सिद्धानं, नमो अरियानं, नमो वज्जायानं, नमो नोए सबसा।
मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदायो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम। आज के प्रवचन पूज्य गुरुदेव श्री के जब आपने बंद किया उसका अंतिम शब्द था परम समाधि। वाक्य पूरा नहीं हो पाया लेकिन परम समाधि गुरुदेव बड़े आह्लाद से कह रहे थे। परम समाधि की प्राप्ति आज ही महावीर भगवान को हुई थी जिसका फल केवल ज्ञान है। आज केवल ज्ञान कल्याणक का दिन है महावीर भगवान का। और आज तो नहीं खीरी उनकी तीव्र ध्वनि 66 दिन बाद खीरी, लेकिन क्या खीरी वो हम बता दे रहे हैं। परम आरोग्य, परम आरोग्य माने जैनोपैथी। मजबूरी में मुझे नाम लिखना पड़ा जैनोपैथी मिलेच्छों को मिलेच्छभाषा में समझाने के लिए। लेकिन जैनोपैथी का असली नाम है परम आरोग्य। जब मैं परम आरोग्य कहता हूँ तो परम आरोग्य में के प्राप्त करने वाले एक जीव है बेहद सिद्ध भगवान। तुम धवल निरंजन स्वस्थ हुए, स्वस्थ हुए, समझ गए होंगे आरोग्य। आप में से कोई स्वस्थ है? हाथ खड़ा करो। एक एक अंगुल में 96 96 रोग है। तुम तो अभ्यस्त हो बीमारी के। बीमार होने पर भी कहते हो हम स्वस्थ हैं। जब भी कोई ब्रह्मचारी मिलता है मैं कहता हूँ बेटे तुम्हारी चिकित्सा करना है, दिमाग खराब है। कौन का? मेरा। उनका नहीं, मेरा। मैं कहता हूँ बेटे तुम्हारी चिकित्सा की जरूरत है। नहीं, मेरा लीवर ठीक है। हाय रे मुर्दा। क्या कह रहा हूँ? हाय रे मुर्दा। बस लीवर का इलाज होता है, बस किडनी का ही होता है। समझ गए मैं जैनोपैथी कितने विशाल आस्पेक्ट में कहने जा रहा हूँ। संपूर्ण दिव्य ध्वनि केवल परम आरोग्य के लिए खिड़ती है। द्वादश अंग की रचना परम आरोग्य के लिए होती है। आप समझ गए होगे कहाँ लगती है नेचर तुम्हारी नेचुरोपैथी और कहाँ लगता है आयुर्वेद और कहाँ लगता है तुम्हारी वो एलोपैथी। यदि मैं इतने आधार नहीं बताता ना तो मुझे पता तुम लोग भी इग्नोर करते। जो पंडित जी है ही सत्री, इन्हें यही सूझा था। अभी भी विद्वानों तक को ये लगता है बीमारी का अंधविश्वासी इलाज डॉक्टर एलोपैथी डायग्नोसिस। मैं बड़े प्रेम से कहता हूँ आप विश्वास करो मेरे पास। नहीं, समझ गए। मैंने आज भी इन बच्चों से कल कहा था बेटे तुम सबको इलाज करना है। पंडित साहब ने एक बात कहा था, उसे मैं ज़्यादा विस्तार से तो अभी नहीं कहूँगा, एक आध दिन शाम की सभा में विस्तार से चलाऊंगा तुम लोगों के लिए। केवल इसलिए कि पंडित साहब का भाव शायद तुम तक पहुँचा दूँ जो मैं समझाऊँ। मैं गलत समझाऊँगा तो मैं तुमसे समझ लूँगा, मुझे क्या दिक्कत है। सहधर्मियों को तो परस्पर में बाहर तत्व चर्चा ही चाहिए। बिल्कुल नहीं सोचने बेटे, मैं अपनी हाँक रहा हूँ एक पक्षी। मेरी गलती हो तुम समझा देना, मुझे क्या दिक्कत है। मैंने पंडित साहब को यत किंचित समझा है, पूरा मैंने नहीं समझा। यत किंचित आप भी समझ सकते हो तो मुझे समझाना उसमें क्या है। तो समझो, पंडित साहब ने मुझे और आप सबको ये शिक्षा दी है, मोक्ष मार्ग में तीन काम होते हैं साधक के जीवन में, शिक्षा, शिक्षा के बाद दीक्षा और दीक्षा के बाद चिकित्सा और चिकित्सा के फल में केवल ज्ञान। साधक के जीवन में
बिना शिक्षा के दीक्षा देना घोर अत्याचार है, घोर अन्याय है। सिर मुंड दो, चढ़ जा बेटा सूली, भला करे भगवान, तेरे को शादी करने के सबसे बड़े पाप से बचा रहा हूँ, यही उपकार है मेरा। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। जैन दर्शन में अज्ञानी को दीक्षा देने का निषेध है, असंयमियों को, लापरवाह लोगों को, आत्मकल्याण को फोकस नहीं करने वाले लोगों को, पॉइंट पकड़ लेना, कि आत्मकल्याण को फोकस नहीं करने वालों को दीक्षा देने का निषेध है। अंजन चोर आत्मकल्याण के लिए फोकस हो चुका था, विद्युत चोर फोकस हो चुका था। शिवोपशम की बात नहीं करी मैंने, मैंने अज्ञान की बात करी। अज्ञानियों को मैंने आत्मज्ञान वालों को दी जा सकती है, शिवोपशम ज्ञान के अज्ञान को हम अज्ञान नहीं कहते। एक एक शब्द मैं जानता हूँ आपत्ति हो सकती थी, इसलिए मैंने खुद ही खोल दिया। सब अज्ञानियों को तो दीक्षा दी गई, शिवभूति को कौन कह रहा है शिवभूति अज्ञानी थे? पंडित साहब इतनी बढ़िया भाषा में बोलते हैं, शिवभूति परम पवित्र ज्ञान के धारक थे, उन्हें सामान्य ज्ञायक का भान था। सामान्य का ज्ञान था, अच्छी भाषा में बोलो, रात्रि की भाषा में सामान्य का आविर्भाव था। सामान्य का आविर्भाव था, क्या बात कर दी तुमने, पवित्र ज्ञान था। पंडित साहब की भाषा बड़ी मधुर, समझ गए ना? तो बिना शिक्षा के दीक्षा नहीं देनी चाहिए। मैं बिल्कुल दिमाग में है मेरे, मैं पता नहीं, मैं बिल्कुल खुल्लम खुल्ला कह रहा हूँ, शायद कोई कहेगा कि नहीं कहेगा, मैं तो कह रहा हूँ, मेरे दिमाग में विजन है, मैं अपने साथ रहने वाले भाई बहनों को शिक्षित भी करना चाहता हूँ और शिक्षा के बाद उनको अनुव्रती बनाना चाहता हूँ और तैयारी इतनी कराना चाहता हूँ कि मैं महाव्रत ले लें। बिल्कुल स्पष्ट कह रहा हूँ मैं, और इसके लिए मैं चिकित्सा करूँगा। आज उसी जैन आरोग्य कहिए, परम आरोग्य कहिए, जैनोपैथी कहिए, उसकी चर्चा आपके सामने रख रहा हूँ। शुरुआत के 15-20 मिनट कम लोगों को समझ में आएगा, मजबूरी है, मजबूरी है मेरी, क्योंकि मैं जानता हूँ इस संबंध में मेरा सामना सबसे ज़्यादा हुआ विद्वानों से। हमने तो आज तक नहीं सुनी जिनवाणी में, तो मैं आपको कह रहा हूँ चारों अनियोग परम आरोग्य के लिए लिखे गए। अब मैं पढ़ के सुनाता हूँ, यदि ऐसे बोलूँगा ना तो इसका 5% भी नहीं सुना पाऊँगा। जहाँ नहीं समझ में आए तो आप धैर्य रखना, मैं समझाऊँगा। और एक बात और बोल दूँ, जितना मैंने इसमें लिखा है उसका व्याख्यान मैंने 25 घंटे में किया है, और 25 घंटे के लेक्चर लगभग जैनोपैथी नाम से डले हुए हैं। आप मेरे से बिल्कुल मत पूछना, मैंने पहले ही तैयारी की है, 25 घंटे बोल दिए हैं, हर बीमारी का इलाज मैंने बोल रखा है। मेरे से बिल्कुल मत पूछना कैंसर, महासौभाग्य जिन शासन का, गलत कह रहा हूँ, जिन शासन का तो हम पर आना माफ उपकार है। समय शिखर जी आकर एक गरीब महिला, एक शिक्षक की माँ ब्रेस्ट कैंसर से ठीक होकर गई, एक पैसे की दवाई खाए बिना। अब इससे ज़्यादा तो नहीं कह सकता ना मैं कुछ। जिंदगी में आपको आँखों का ऑपरेशन कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिनको चश्मे उतारने हैं मैं उतरवा दूंगा। किडनी वो क्या करवाना पड़ता है, किडनी में नहीं नहीं वो क्या कर, डायलिसिस, आपको आजीवन डायलिसिस नहीं कराना पड़ेगा। यदि आप बहुत श्रद्धा से बात सुन लेंगे और समझ लेंगे तो मोतियाबिंद के ऑपरेशन नहीं कराने पड़ेंगे, आप श्रद्धा और भक्ति से सुनेंगे तो। हम आत्मा की बीमारी को भी डायग्नोस करते हैं और शरीर की बीमारी को भी डायग्नोस करते हैं। और एक काम की बात कह रहा हूँ, लिखा तो मैंने इसमें सब है, शरीर की डायग्नोसिस की वही पद्धति है जो आत्मा की है। शरीर बीमार होता है मिथ्या से, अवृत्ति से, प्रमाद से, कषाय से और योग से, वो ही आत्मा की बात है। बहुत जल्दी मैंने कह दिया, सारे फंडामेंटल बता दिए मैंने। मैं सच कह रहा हूँ प्यारे बच्चों कहकर मेरा मन भराता है। मैं जानता हूँ अभी तक मुझे ब्रह्मचारियों से सपोर्ट नहीं मिल रहा है, अभी मैं अकेला जूझ रहा हूँ, उधर पंडित साहब अकेले जूझ रहे हैं, जूझ रहे कह रहा हूँ मैं, हमारे लिए बीमार हुए हैं वो,
हम ब्रह्मचारी भाई बहनों के, हम उनको इग्नोर करते हैं, हम उन्हें खुश करने के लिए झूठी बातें करते हैं और करते कुछ नहीं है आज। लेकिन मैं प्रेरणा दे रहा हूँ आप सबको, हो सके तो मुट्ठी बनने की कोशिश करो। जैन शासन को समृद्ध करने के लिए मैं इन्हीं 10 वर्षों में बहुत काम कर डालूंगा, पूरे हिंदुस्तान में समाधि सेंटर खुलवा दूंगा, पूरे विश्व में जैनोपैथी डॉक्टर बना के फैला दूंगा, इतनी ताकत रख रहा हूँ 10 साल के अंदर, विद इन 10 ईयर्स। लेकिन डॉक्टर साहब को विद्वानों ने सपोर्ट नहीं किया कभी, पता है आपको? सोनगढ़ अनुमोदक विद्वान, उन्होंने कभी डॉक्टर साहब को सपोर्ट नहीं किया। डॉक्टर साहब ने इसलिए अपने परिवार को नौकरी छुड़ाई, बड़े भाई की, अपनी भाभी की सरकारी नौकरी छुड़ाई, भाभी की कितने पापड़ बेले थे, खाने को रोटी नहीं थी, पढ़ाई करी थी, बीएड किया था, तब नौकरी मिली थी उनकी भाभी को, हैंड टू माउथ स्थिति थी, किराए का घर मैंने देखा है विदिशा का, कैसे एक कमरे में झोपड़ी जैसे में रहे वे लोग। तो अभी नौकरी छुड़वा दी थी क्योंकि गुरुदेव श्री का शासन की प्रभावना करनी थी। आखिरकार उन्होंने अपने शिष्यों से पूरा स्टाफ बनाया और अपने शिष्यों का संगठन खड़ा किया, अपने परिवार का संगठन किया और सारा हिंदुस्तान उनके विद्वान उनकी आलोचना कर करके। अभी ये बात मैं ऐसे भटकूंगा नहीं भैया, मैं कह रहा हूँ कि यदि आप चाहते हो 10 साल के अंदर मैं बहुत काम कर सकता हूँ, समाधि सेंटर खोल सकते हैं पूरे हिंदुस्तान में। बीज पड़ चुके हैं बहुत, एक तुम्हारे नहीं पड़ा, बाकी बहुत बीज पड़ चुके। परसों वो आए थे भैया श्वेतांबर लोग राजनांदगांव के, बोले आप हमें गाइड करो, हम राजनांदगांव में खोल सकते हैं। मैं अपने 20 लाख रुपए लगा करके समाधि सेंटर चालू करा दूंगा, आप बस आ करके हमें आशीर्वाद दे देना, हमारी ज़मीन पड़ी है बहुत, हम खोल देंगे। वो अकेले आदमी ने कह दिया, निर्देशन मांगा, हमने निर्देशन दे दिया, आपको ये करना है, ये पढ़ना है, ये लिखना है। हमारा पूरा, मेरा पूरी संस्था की बिल्डिंग का नक्शा तक मेरे दिमाग में है, आरोग्य भवन कैसा होगा, समाधि सेंटर कैसा होगा, एक एक चीज़ खचे था मेरे पास। आप चाहोगे तो मैं विजुअल दिखा सकता हूँ, इतनी मेहनत करके आ चुका हूँ मैं अभी 2.5 साल में। मेरा एक ही लक्ष्य है जीवन में, पंडित साहब की प्रेरणा थी, स्कूल खोले तो खनिया दाना में मैंने जान लगाई थी, 7 साल तक मैंने उसमें खूब दम लगाई, इसके बाद मैं वहाँ से निकल आया। आज वो रन कर रहा है, ठीक रन कर रहा है। अब बस केवल अंतिम सपना ये मुझे जो मैंने आपको बता दिया पूरा करना है, जैनोपैथी और समाधि। आइए चर्चा शुरू कर दें, मैं भावुक हूँ, यदि वो उड़ गया तो फिर पूरी बात खत्म हो जाएगी और आप लोग दुखी हो जाओगे, कुछ बताया है ही नहीं। तो पहले तो मैं जैसे सेमिनारों में मैटर पढ़ा जाता है ना, केवल पढ़ के सुना रहा हूँ, हालांकि ये आपके पास लिखित प्रमाण में भी आएगा, लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा इशारा करूँगा। और आप कहो तो इसे बंद करके मैं फिर अपने स्वतंत्र पढ़ा देता हूँ, ये घर पढ़ लेना है, ठीक है? चलो तो मैं छोड़ता हूँ इसको। इसमें मैंने क्या लिखा है, डायग्नोसिस की पद्धति लिखी है। कम से कम मेरे दिमाग में इसमें 25 से 40 किताबें तैर रही हैं जो जैनोपैथी की MBBS की पूरा का पूरा सिलेबस होगा, बिल्कुल तैर रही है। कौन लिखेगा ये मुझे नहीं पता, मैं नहीं लिखूंगा ये पक्का पता है। मैं राइटर नहीं हूँ, मैं थिंकर हूँ, मैं बहुत स्पष्ट रूप से अपनी भाषा बोलता हूँ, मैं आई एम थिंकर। मैं विजन देख सकता हूँ, सोच सकता हूँ, कह सकता हूँ, लेकिन कर कुछ नहीं सकता हूँ, लिख नहीं सकता हूँ। डायग्नोसिस, आइए एक छोटा सा पैराग्राफ पढ़ के सुनाता हूँ आपको इसका। जब मैंने पहली बार जैनोपैथी की चर्चा की थी तो पंडित साहब को बताया हो माइन भैया किसी ने भी, तो उनकी उनकी तरफ से मुझे कुछ रिमार्क्स आए थे जो मैंने लिखे हैं। आत्मा अनाहारी है। साधक असन इच्छा होने पर आत्मा अनाहारी है, आत्मा की असन इच्छा नहीं होती, ध्यान रखना। साधक के असन इच्छा होने पर तप बढ़ावन हेतु युक्ताहारी, युक्त बिहारी, युक्त निहारी और युक्त विचारी होते हैं। हाँ
और रोगाधिक से बचने एवं रोगाधिक से बचने एवं समाधि साधना के लिए अनिष्ट कारक अवक्ष का त्याग करके परम समाधि को साधते हैं। इन तीन लाइनों में संपूर्ण परम आरोग्य की चर्चा हो गई, पूरी चर्चा हो गई। अब मेरे जो सारे जो चैप्टर लिखे जाएंगे ना, वो युक्ताहारी के लिए पूरी बुक है, युक्त बिहारी के लिए पूरी एक बुक है, युक्त निहारी के लिए पूरी बुक है, बुक दिमाग में मेरे। और युक्त विचारी, आपको याद है बेटे, पंडित साहब रोज एक बात कहते हैं, दुर्विचारों से फुर्सत मिला। जितने लोगों को टेंशन की बीमारी है वे युक्त विचारी नहीं है। युक्त विचारी का मतलब बता दूं, तुम युक्त नहीं समझ पा रहे हो, जो नए लोग होंगे, युक्त विचारी को कहते हैं योग्य विचार करने वाला, आगम के अनुकूल विचार करने वाला, वेद विज्ञान का विचार करने वाला, तत्व अभ्यासी, वो युक्ताविचारी होता है। युक्ताविचारी नहीं, युक्त विचारी होता है। अब समझ में आ गया मैंने क्या क्या बोल दिया, मेरा सिलेबस पूरा हो गया। आपको MBBS वाले मुझसे कहेंगे, मुझे पता है, आप क्या है एनाटॉमी की क्या चर्चा है। अब जो थोड़े साइंस जानते होंगे एनाटॉमी पकड़ गए होंगे, बाकी लोग नहीं समझोगे कछु का है एनाटॉमी, कछु टॉमी हुई है कुत्ता को नाम। तो एक शरीर विज्ञान है पूरा पूरा, अंदर का पूरा विज्ञान शरीर विज्ञान है, एनाटॉमी कहला दी है। इस पर एक पूरी बुक मेरे दिमाग में है जैन ग्रंथों के आधार से। आचार्यों को और साधकों को शरीर विज्ञान समझने की जरूरत ही नहीं पड़ती। विश्व में एक मनुष्य के सिवा किसी को शरीर विज्ञान समझने की जरूरत नहीं पड़ती और सारे त्रयंच स्वस्थ हैं। सारे त्रयंच यदि मनुष्यों के संपर्क में नहीं आए तो एक भी हॉस्पिटल नहीं खुला कहीं। मनुष्य के संपर्क में आने वाले पेट एनिमल के लिए हॉस्पिटल हैं, गाय के लिए, भैंस के लिए, शेर के लिए, सुना है कहीं, शेर के लिए, चिड़िया कबूतर के लिए, क्या हमने चिड़िया कबूतर का सुना है। सुनो, मनुष्य के संपर्क में आकर जो कट जाते हैं पंख, को क्या कहलाता है, मांजास है, उनके लिए खुले, ऐसा हॉस्पिटल खुला है। अब पहली बार नंदन वन में खुल गया है कैंसर हॉस्पिटल पक्षियों के लिए। पक्षी आए और इलाज करवाए। आचार्य ने उतनी एनाटॉमी जरूर लिखी है जिसका तुम्हें ज्ञान होना चाहिए, और वो मेरे दिमाग में है, मेरे दिमाग में और ग्रंथों में है वो। मैं तो अभी इसलिए कह रहा हूँ कि सबके दिमाग में जो आ रहा हो, द्वादशांग में कहाँ से आ गया जो एनोपैथी, इलाज करावे के इलाज तो वहीं जाने पड़ेगा। बीच में एक बात बोलूं, मैं जब कक्षा 6 में था मुझे ब्रह्मचर्य का भाव आया था, तो मुझे एक चिंता थी, वो इसी की चिंता थी आरोग्य की, कि इसके बिना कैसे काम चलेगा। मैं जानता मानता कुछ नहीं था, इतना जानता था कि ब्रह्मचारी दवाई नहीं खाती। मैं ब्रह्मचारी हो जाऊंगा तो बुखार की का क्या होगा, खांसी का क्या होगा, जो भी कुछ होगा। तब तक तो हमारे पिताजी वहीं हॉस्पिटल डॉक्टर को दिखाते थे ना, हमें ये चिंता थी, पता कुछ नहीं था। धीरे 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 आयु बीतती गई, जहाँ चाय वहाँ राय, और योग के निमित्त मिलते चले गए, योग पता पड़ता चला गया, और आज मैं बहुत ही मस्त हूँ कि मुझे जैनोपैथी जैसी चीज़ मेरे दिमाग में छा गई। और मैं बिल्कुल नेचुरोपैथी के भरोसे भी नहीं हूँ। इसमें मैंने एक पैराग्राफ इस पर भी लिखा है, जैनोपैथी और नेचुरोपैथी में अंतर, जैनोपैथी आयुर्वेदिक में अंतर, जैनोपैथी और एलोपैथी की बातें भी लिखी मैंने इसमें। मैं उसकी विस्तार करके अभी आपका समय खराब नहीं करूँगा, मैं बताऊँगा, ठीक है। आइए एक पैराग्राफ पढ़ के सुनाता हूँ। इस समय पूरे हिंदुस्तान में और विदेश में एक चर्चा हो रही है जीवन शैली के लेकर बीमारियाँ हो रही हैं, जिसको कहते हैं लाइफस्टाइल की बीमारियाँ हो रही हैं, लाइफस्टाइल ख़राब है। ओके, ये तो सबने सुना होगा, सब जगह आती है बात, चाहे डॉक्टर एलोपैथी में जाओ चाहे ऑनलाइन जाओ, सभी जगह ये बात होती है कि लाइफस्टाइल ख़राब होने से बीमारियाँ हो रही है। ओके, अभी इससे आगे अभी मैं बताता हूँ, विश्व में कोई भी पैथी जैनोपैथी के आसपास भी नहीं है,
आप जिसे लाइफ स्टाइल कहते हो, नेचुरोपैथी, आयुर्वेदिक और तुम्हारा वही एलोपैथी और जितने हो सब लगा लेना, हमें कोई दिक्कत नहीं, नाम किसी के हो, ये सब इस मुर्दे तक ही सीमित सोचते हैं। जबकि हमारे आचार्यों ने लाइफ स्टाइल में 10 प्राणों को शामिल किया है। हमारे लाइफ स्टाइल में 10 प्राण नहीं शामिल किए, पूरा डायग्नोसिस लिखा है मैंने इसमें, द्रव कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म। जब हम डायग्नोसिस करते हैं ना लाइफ स्टाइल का, तो द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, संस्थान, संगनन, नाम कर्म की 93 प्रकृतियाँ, कर्मों की 10 अवस्था। लिखो मत, मत लिखो बेटे, बिल्कुल एकाग्रता से सुनो, ये तो मिल जाएगा ना तुम्हें, लिखते कहाँ के लिए हो, पियो अभी समय तो, पिया हुआ जिंदगी और याद रहता है, लिखा हुआ भूल जाते हो आप, अद्धा पद्धा लिखोगे पंडित साहब की महासभा में, पहले ही कह दिया हम दे देंगे, इस बार तो पी जाओ, प्रसन्नता नहीं हो पाती इसमें, आपको शब्दों का भी मजा नहीं आ पाएगा, ये कह रहे हैं हम। चलो, नाम कर्म की 93 कर्मों की 10 अवस्था बताना, कौन सी पैथी में है ये सब। सुनो, मैंने आगे लिखा है, प्रकृति में, वस्तु व्यवस्था में रोगों का इलाज करने वाली कोई दवा पैदा ही नहीं हुई। कोई भी माई का लाल, अब थोड़ा बोलने की शैली मेरी, एलोपैथी, एक मिनट आके टिक के खड़े होकर दिखा दे मुझे, कोई पिंपल का इलाज करके बता दे, बस बे पेट खराब होने का इलाज करके बता दें, सिंपल रोग बता रहा हूँ, सिंपल रोग, एक भी ब्लड प्रेशर मतलब मरीज का स्वस्थ हुआ तो बता देना, दवाइयाँ बढ़ती जाती हैं, डोज बढ़ती जाती है, एक भी किडनी वाले का इलाज हुआ होए, एलोपैथी को एक भाषा में बोलूँ, एक शब्द में, तुम उनके पास जाओ, मृत्यु पर्यंत दवा खिलाकर आईसीयू में मार डालते हैं। बहुत जल्दी बोल गए ना, प्रवचन करने की जरूरत है 1 घंटा। क्या बोला मैंने, एक बार उनके पास जाओ, जीवन पर्यंत दवा खाते रहो, डोज बढ़ती जाती है, आखिरी में आईसीयू में ले जाके मारते हैं, और बदले में 1 करोड़ रुपए ले लेते हैं, 1 लाख रुपए ले लेते हैं, 10 लाख ले लेते हैं, 20 लाख लेते हैं, 50 लाख लेते हैं। बिल्कुल एक लाइन में मैंने जैनोपैथी सब समझा दिया, ओके, एलोपैथी का समझा दिया। विश्व में ऐसा कोई बच्चा नहीं है जो भाव कर्म सुधार करके स्वस्थ ना हो सके, लेकिन डॉक्टर के पास जाते थे, इसकी किडनी बचपन से खराब है, ऐसा है, किडनी ट्रांसप्लांट होगी, ले आओ 10 लाख, ले आओ, बदलवा दो, फिर 10 साल में फिर खराब होगी, फिर बदलवा दो, फिर बदलवा दो, फिर बदलवा दो। आप सुनोगे डायग्नोसिस, डायग्नोसिस सुनोगे, हमारे आचार्यों ने लिखा है, संबर बिना की नजरा किसी काम की नहीं है। ठीक, ये आत्मा के प्रकरण में ही नहीं है, शरीर के प्रकरण में भी है। एक तरफ तम्बाकू खाते जाओ, एक तरफ कैंसर को इलाज कराते जाओ, अरे तम्बाकू रोक, तरीका क्या है बोलो, ठूस ठूस के खा रहे, ठूस ठूस के आसर चला ही रहो। डॉक्टर इतने प्यार से कहता है, इतना प्यारा लगता है एलोपैथी, मुझे बहुत पसंद था डॉक्टर बचपन में, हम उससे पूछते थे, आयुर्वेद की आदत पड़ी हुई थी ना पथ्य पथ्य पूछने की, हम डॉक्टर से पूछते, डॉक्टर साहब खाने में क्या लें, सब खाओ, कितना बढ़िया लगता है सब खाओ, ये भी नहीं कहता तेल मत खाना, तला मत खाना, नमकीन मत खाना, मिर्ची मत खाना, कभी खटाई मत खाना, बोलो मैं गलत कह रहा हूँ तो। एलोपैथी के डॉक्टर को कोई इलाज करा दिया कोई सा भी, और उससे पूछो पथ्य अपथ्य, छूटते से जवाब देता है सब खाओ। हम इतने खुश हो के आते थे घर, नहीं नहीं दिल में पकौड़ा बुखार में, अभी डॉक्टर ने कही सब खाओ, समझ गए आप। हम क्या कह रहे हैं, संबर रहित की निर्जरा, रोगों के कारण रुके बिना विश्व में कोई माइकल लाल ने दवाई पैदा नहीं की, किसी किसी पैथी में पैदा नहीं की, और हम भी तुम्हें दवाई नहीं बताएंगे, ये दिमाग में रख लेना। आप यदि हमसे पूछोगे कि हम पत्तियां खुआएंगे, दवाई खुआएंगे, नहीं, ये भी एक बता देता हूँ प्रकरण,
क्यों आ गई ये चयनोपेधी मेरे सामने अचानक आ गई। चल तो रही थी बरसों से, मैं सम्मे शिखर जी में था और आचार्य विश्व सागर जी ने मुझे इनवाइट किया हुआ था। हमें मालूम पड़ा कि आप थोड़ा समझते हो स्वास्थ्य के बारे में, तो हम लोग सब बीमार हैं, हमारा वो चेकअप करो सबको। मैंने सबके चेकअप किए और फिर मैंने कहा मैं एक एक को नहीं बता सकता, तो मैं एक लेक्चर ही दे दूंगा आपके बीच में। सबके चेकअप करने के बाद मैंने लेक्चर दिया था, वो लेक्चर करीब 60,000-50,000 लोगों ने देख दाख लिया। उसके बाद तो फिर हिंदुस्तान से मुनियों के बहुत जगह जगह से फोन आए, साधुओं के भी। अब मैं उससे आगे ज़्यादा कुछ नहीं कहता हूँ। तब फिर मेरे दिमाग में आया कि साधुओं के लिए भी योग की चिकित्सा लिखी जानी चाहिए और हमारे ब्रह्मचारी भाई बहनों के लिए भी, श्रावकों के लिए भी। तब फिर उस दिन से मैंने मेहनत शुरू की। अभी 1.5 साल में मैंने इतनी मेहनत की है पूरी, 1.5-2 साल में। फिर लेक्चर भी दे दिए, जो कुछ कर सकता था मेरी तरफ से मैंने किया। काफ़ी लोग लाभान्वित भी हुए। अब लेकिन मेरे पास फ़ोनों का ट्रैफिक है, मैं तो फ़ोन में बात करता नहीं। अब एक ही भैया एक लोते तो वे भी समय कहाँ तक देंगे किसी के लिए। तो हमने इसीलिए अब वीडियो डाल दी सबकी, आप पढ़ो मेहनत करो कर। आप दवाई नहीं पूछोगे, कभी नहीं पूछोगे, पूछना है तो आना मत। मैं दवाई नहीं बताऊंगा, मैं आपको 7 तत्व का तत्व विचार करना बताऊंगा, ये मेरी औषधि है। नंबर 2, 5 अणुव्रतों का पालन जितना आप करोगे उतने स्वस्थ रहोगे, और 5 महाव्रत पालने के बाद परम स्वस्थ हो जाओगे। ए तुम तो घुमा फिरा के भाई ले आए, वही तो हमें करने नहीं है जे है वही हमें करना नहीं है। मैं कहूँगा तुम संयम पालो। जैसे मेरे से बहुत सारे लोग इसलिए नहीं मिलते, पंडित जी रोटी छुड़वा दे, अरे तो महारत तो नहीं है भैया, रोटी छुड़ा दे पक्की बात है। अब रोटी की बात आ गई थी बीच में, सुन लो हम क्या करें, और लाइफ स्टाइल छूट गई बीच पूरी बताने से। पढ़ लेना, लिख दिया मैंने सब, लाइफ स्टाइल केस को कहते हैं, जैन लाइफ स्टाइल क्या है वो बता दिया मैंने। पहले ही कह दिया 0 दवाई। ये बच्चा 4-5 दिन से बुखार हो रहा था इसको, मैं आया था उसी दिन, और आते से पूछो दूसरे दिन बुखार उतर गया इसका, मैंने 1 पैसे की दवाई नहीं दी इसको। अब पूर्ण स्वस्थ है, लगभग 90% स्वस्थ है। पूर्ण स्वस्थ तो खैर मोक्ष में ही हुई हो हाँ तो मैं कौन सा विषय बताने जा रहा था, बीच में रुक गया फिर से, रोटी। अब रोटी आ गई बीच में। आप सब लोग मतलब जैन समाज के लोग अनिष्टकारक अवक्ष खा करके बीमार हो रहे हैं, चाहे साधु हो और चाहे तुम हो। बिल्कुल एक लाइन में आपके समस्त बीमारियों की डायग्नोसिस है। अनिष्टकारक अवक्ष पर मेरे 1 या 2 घंटे का प्रवचन है, प्रवचन तो नहीं कहना चाहिए, लेक्चर है, 1 से 2 घंटे का लेक्चर है। ज़्यादा ही होगा तो अभी कम है कह रहा हूँ मैं, बहुत बड़ा लेक्चर है अनिष्टकारक अवक्ष। और 5 अवक्ष मैंने बचपन में पढ़े थे, बालबोध में सदाचार के पाठ में। मैं सच कहता हूँ, मैंने पिछले 1.5 साल में मुझे सबसे ज़्यादा अवक्ष समझ में आया वो है अनिष्टकारक अवक्ष, जो मैंने जिंदगी में कभी नहीं समझा था। हम लोगों की नज़र में भी अनिष्टकारक अवक्ष कुछ समझ में थोड़ी आता है। 2 अवक्ष इसके जबरदस्त हैं, बाकी तो आप जानती त्रसघात बहुघात है ना, लेकिन एक है अनिष्कारक और एक है अनुपसेव्य। आपके जीवन में सबसे ज्यादा ये 2 हुए। स्वाध्याय करने से और परंपराएं अच्छी होने से आप त्रसघात बहुघात से तो फिर भी बचते हैं जमीकन से बचते हैं, लेकिन मैं गारंटी से कह रहा हूं बीमारी का एकमात्र मूल कारण है अनिष्टकारक अवक्ष। मेरी सारी रिसर्च की जड़ है ये एक लाइन की, और मैं समझा नहीं हूँ, अभी नहीं समझाऊंगा आपको, लेकिन कुछ इशारे जरूर करूंगा जो रोज आपको काम आएंगे, कुछ इशारे। पूरे सुनना है तो आप मेरे वो जैनोपैथी सुन लेना, और सुनना बड़ी लिख लिख करके, ऐसे मत सुन ली रोटी बना जा रहे सुना जा रहे, 2 अक्षर समझ में आए 4 अक्षर गाए हो, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सीरियसली सुनोगे तो समझ में आ जाएंगे। बात इतनी सरल लगेगी, मैं कह रहा हूँ ना, मैं यदि इसको ओरिजिनल भाषा में बोलूँगा तो तुम में से एक भी नहीं सुनेगा, भग जाओगे सब, ए भाई की भी बात है कर रहे। तो दवाई बताऊँगा नहीं, और दवाई क्या है सो सुन लो। आप लोग पुण्य के उदय से बीमार हो,
पुण्य के उदय में दो गड़बड़ होती है, सो समझ लो, बिल्कुल समझ लो। एक अनिष्कारक का वक्ष होता है, एक बहुत होता है आपके जीवन में, और दूसरा होता है श्रम नहीं करते आप। जब पुण्य का उदय होता है, मैं एक बात की गारंटी दे रहा हूँ, सुन लेना सभी लोग, यदि कोई व्यक्ति 42 टेम्परेचर में रहता हो तो उसकी किडनी खराब नहीं होती कभी। यदि गर्मी के सीजन में 4 महीने, आप 42 टेम्परेचर पे 3 घंटे पर डे भी रहते हों, पसीना बहाते हों, तो आपकी किडनी खराब नहीं हो सकती, लीवर खराब नहीं हो सकता, हार्ट खराब नहीं हो सकता, और कैंसर नहीं हो सकता। ये 4 महाबीमारियां नहीं होगी। कितनी सी बात बताई मैंने, बता पंडित जी, फिर वहाँ एसी को क्या हुई है, एसी लगो रहे हो तुम, चले जाइयो मोर का हुई है भैया, तुम एसी के चक्कर में रहोगे और कहा हुई है बताओ, और तुम उसी के अधिकारी हो, कल कहा हमने अधिकारी हो, कहा गए आप लोग। मैं नहीं चलाता हूँ कूलर पंखा एसी, मैं नहीं चलाता हूँ। मैं भाई साहब मई जून की गर्मी में हर शिविर में गया हूँ, दिल्ली में भी मई जून के शिविर में रहा हूँ, दिल्ली के शिविर में भी मैंने रातें व्यतीत की हैं बंद कमरे में। मैं भोपाल में 10 साल रहा, अकेला रहता था, और बस्ती थी, मैंने बस्ती क्या कहलाती जो बिल्डिंग, और सब लोग छत पे सोते थे, तो मैं छत पे नहीं सोया 10 साल गर्मियों में। आप कल्पना कर सकते हैं जिस समय हवा नहीं चलती और कितना सफोकेशन होता है, और मैंने रात भर पंखा नहीं चलाया, और रात भर कमरे में इसलिए सोता था क्योंकि मैं टॉर्च का इस्तेमाल करता हूँ रात को। यदि मैं छत पर लघु संख्या के लिए उठूँ, टॉर्च जलाऊँ, और कोई बिल्डिंग वाले आपत्ति करने लगें, वहाँ पे कोई बहनें सोती हों छत पे, परिवार सोता हो, और मैं टॉर्च जलाऊँ, और कोई कह दे रात को पंडित जी ये प्रोफेसर ये जैन साहब हमें देख रहे थे, तो हमारी तो पसीना आ जाएगा। मैंने 10 साल गर्मी के अंदर रहा हूँ, लेकिन आज पूर्ण स्वस्थ हूँ। संयम सील की बाढ़ और सावधानियाँ मुझे स्वस्थ बनाए रखे हुए। अब कितना बढ़िया इलाज बता दिए, बता 42 टेम्परेचर, तो फिर पंडित जी अब वो तो हम नहीं कर सकते, लेकिन अब बीमार हो ही चुके, जो बीमार नहीं होना चाहिए उन्हें बता दिया, वो ध्यान रख लियो कौन सा टेम्परेचर। हाँ बहुत बढ़िया, तुम सीख गए बेटा, भाग सा लियो, बचपन में आ गए थे। अब जो बड़े हैं तो इनका तो इलाज, तो उनके इलाज की व्यवस्था है। जिंदगी में कभी डायलिसिस मत कराओ, कोई चीज़ मत कराओ। 42 टेम्परेचर पर आप 3 घंटे लेट हो पानी के अंदर पर डे, तो डायलिसिस खत्म हो जाएगी और पूरी फेल किडनी रिकवर हो जाएगी, पूरी की पूरी फेल। डायबिटीज 3 दिन के अंदर, कोई सी डायबिटीज हो, क्लास 1 हो, क्लास 2 कहलाती, क्या कहलाती, ऐसी कैसी नाम है, टाइप कह देते, टाइप 1 टाइप 2, 3 दिन के अंदर इलाज हो जाएगा। मेरी मम्मी 20-25 साल से खा रही थी डायबिटीज़ की दवाई, हार्ट की दवाई, मैंने कभी नहीं कहा उनसे तुम मेरी मानो, मुझे पता है बिना साता वेदनी के सुनाई नहीं दे, कहा कह गए हम बिना साता वेदनी के सुनाई भी नहीं देता कि कभी कह रहे थे, नहीं सुनाई पड़ता, मैंने नहीं कहा। लेकिन जब खनिया थाना में हम रहे कोरोना के समय, तो सब लोग सही हो रहे थे, तो हमारी मम्मी एक दिन बोली हम भी कर लें, मैंने कर ले, फिर दवाई को क्या कह रहे मत खा। आप कल्पना कर सकते हो 15-20-25 साल से जो हार्ट की और दवाई खा रही थी, लीवर ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ की, पहले दिन से दवाई बंद। और जो मेरी मम्मी ने मीठे फल नहीं खाए थे, केले अंगूर और सीताफल, अब इतने खुश हो के सुनाऊ थे ये ऐसे बड़े बड़े खा रहे हैं सीताफल खा रहे, केला खा रहे, अंगूर खा रहे, और पूर्ण स्वस्थ हो गए, पूर्ण स्वस्थ। अब ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपको भरोसे नहीं होगा मेरी बात होगा, हो 42 टेम्परेचर, फिर वही वाला प्रश्न, फिर हम कूलर पंखा एसी लगाए उनको क्या हुई है, वह उत्तर दे ही दो मैं बहुत सालों से, आपको पता है या नहीं है, याद है या नहीं है, आपके अभी जब पहली बार आए थे ना, पहली बार 98 में, तब मैंने एक बात कही थी उस समय, जैन चरणालयों दी वेस्ट MBBS है, निकाल लेना उस समय के प्रवचन। मैंने उस समय भी मेरी श्रद्धा यही थी 98 में, कितने साल हो गए, 24 साल 25 साल
आपको याद नहीं लेकिन मुझे पता है मैंने कहा है ये बात। चलो तो रोटी की बात आएगा फिर से, नहीं फिर भूल जाएंगे रोटी। देखो रोटी का क्या हिसाब है समझो, रोटी उन्हें खाना चाहिए जो 8 घंटे पसीना बहाएं, खेतों में काम करें, बगीचे में काम करें, रेलवे स्टेशन पर कुली भाड़ा का काम करें, मजदूरी का काम करें, उन्हें रोटी खाना चाहिए। ऐसे में रोटी नहीं खाएंगे तो उनके धातु क्षीण हो जाएंगे, उनके धातु क्षय होने लगेंगी। अब उल्टा हिसाब है तुम्हारे साथ, तुम्हारा पुण्य को उदय है तो एसी कूलर पंखा है, आराम से डल्लप है, आराम से बैठे हैं, और पुण्य को उदय में हलवा है, बादाम है, घी है, और खीर पूड़ी खुआवे वाली आपकी हत्यारी पत्नी है, माता पिता मुझे इतने प्यारे माता पिता और पत्नी हुए, वे कह रहे मन नहीं हो रहा, मन नहीं हो रहा, मन नहीं है, ए नेक तो खा ले, नेक के चक्कर में खिचड़ी बना दें, दरिया बना दें, फला बना दें, ए पूड़ी खा ले। आपको मैं नाम नहीं लूँ, नहीं लूँ नाम, एक व्यक्ति की डेथ हुई है, उनकी बिल्कुल इच्छा नहीं थी, वो पत्नी ने डोसा खिलाया था, उनकी बिल्कुल इच्छा नहीं थी, मन नहीं था, गैस भर रही थी, एसिटिक हो रहे थे, उन्होंने बहुत मना किया, नहीं इच्छा। अब इकलौती पत्नी थी, इकलौते पति थे, घर में वो कुछ ज़्यादा तो थे नहीं कुछ अब उनने बड़े राग से पानी बरस रहे थे सो बना ले इडली डोसा, और दूध भी बच जाते, अब पुण्य को देते दूध भी बहुत होते घर में, सो दूध भी अब कहाँ रखें हम, कल तक फट जाए तो मैं पी लूँ, भाई मने कर रहे हैं, मैं इच्छा नहीं हो रही। अब दो इडली हम कहाँ धरेंगे, कल फेंकने पड़ेगी, नहीं तो मैं खा लूँ, कुत्ता खुआ इसका फायदा, गैया खिलाफ, इतनी मेहनत से तो हमने बनाए इडली, कितनी मुश्किल से बनती इडली डोसा, और उन्होंने बिल्कुल बहन जी ने बनाए और ज़बरदस्ती चटनी कर करके खटाई के संग ज़बरदस्ती ठुसवा दे, बहुत ख़राब भाषा में बोल रहा हूँ मैं और जानबूझ के बोल रहा हूँ, ऐसी हत्यारी पत्नी कहा मैंने, ऐसे नहीं बोल दिया मैंने, और फिर दूध पिला दिया ऊपर से। रात को 10-10:30 बजे तक टहलते रहे, गैस के मारे परेशान रहे, आखिरकार हार्ट पर आई, सडन डेथ हो गई। नाम नहीं बता रहा हूँ, मुझे दुख होगा इस बात का, आपको भी नहीं बताना चाहिए, लेकिन ये ऐसे एक केस नहीं हो रहा है। आपको पता है पिछले 1.5 सालों में 2 सालों में सडन डेथ के कितने केस आए, नाचते नाचते हनुमान जी मर गए, हनुमान जी का रोल करते करते तुम्हारे ये को क्या कहलाता है वो स्टेज पर शादी मादी में खड़े रहते हैं, ऐसे ऐसे नाचते रहते हैं, कितने डॉक्टर डॉक्टर पार्टी में खड़े खड़े गिर के मर गए। ये सडन डेथ कोरोना की वजह से हुई है, कोरोना की दवाइयाँ और डोज बूस्टर डोज यहाँ आने के ठीक एक दिन पहले, यहाँ आने के ठीक एक दिन पहले दैनिक भास्कर में प्रकाशित हो चुका है, जिन्होंने भी डोज लिए हैं बूस्टर डोज उनकी वजह से 70% 60% डेथ हो रही है। हेल्दी लोग भी वो बूस्टर डोज लगवा के गए हैं, मेरी प्रतिज्ञा थी मैं नहीं लगवाऊंगा, नहीं लगवाऊंगा, नहीं लगवाऊंगा, चाहे तुम रेल में मना कर दो कि नहीं चलेंगे, मैं नहीं जाऊंगा रेल में, तुम यदि मेरी चेकिंग करोगे, मैं कार में बैठ के जा रहा हूँ चेकिंग करूँ, तो मैं कार में बैठने का त्याग कर दूंगा, हवाई जहाज मुझे नहीं जाने का रस है, मेरा त्याग है पहले से ही, मैंने नहीं लिया। और मेरे निकटवर्ती एक भी व्यक्ति, जितने लोग थे खनिया दाना के, ना ये लगाया, हम सब साथ साथ रहते थे 25-50 लोग, रोज व्यायाम करते थे, जैसा हम बताते थे वैसा करते थे, ना कभी पट्टी लगाई मुंह पे, कुछ नहीं किया, और एक को भी कुछ नहीं हुआ। और जिन्होंने हमारी बात नहीं मानी वे हॉस्पिटल की यात्रा करिया है, बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूँ, खनिया धाना के भी, और जब हॉस्पिटल से लौटी तब बोली, तब हमारे पास बड़ी श्रद्धा से आई, या पंडित जी आप बताओ हम क्या करें, अब अभी कर लो, अभी भी तुम लोग से कह रहे हैं, जिन्होंने बूस्टर लगवा लिए हो तो डरने की ज़रूरत नहीं है, जो हम कह रहे हैं वो कर लेना, तो आपको बूस्टर डोज का साइड इफेक्ट खत्म हो जाए, कर लेना, इतने कह सकता हूँ। तो फिर पंडित जी क्या करने वो ही बता दो पहले, तो अरे बता तो दिया शरीर के आरोग का भी वही उपाय है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, लेकिन अभी नहीं समझोगे तो हम बाद में और बता देंगे, चिंता नहीं करना।
हमें मालूम है तुम्हें तुम्हारी भाषा में समझाना पड़ेगा, हमारी भाषा में तुम नहीं समझोगे। चलिए तब फिर वापस आ जाओ, रोटी, हाँ रोटी रही जाएगी, समझ गए। जो बहुत परिश्रम करते हैं, पसीना बहाते हैं, उन्हें अनाज खाना चाहिए। मैं ये बात बताऊं, अभी आप सबको ये लगता है पंडित जी बहुत ज़्यादा खींचतान कर रहे, कछु खाता ही नहीं है, एक रोटी खाओ थे, डेढ़ रोटी खाओ थे बस। मैं सही बताऊं, मैंने खमी अमाइन में वो क्या, हाँ शिखर जी में रहते हुए मैंने रोटी नहीं खाई, यहाँ इसलिए खाता हूँ कि तुम्हें एक भी नहीं खाएंगे तो जलेंगे। वो भैया बहुत बड़ी तपस्वी है, रोटी सुनना नहीं खाओ, इसलिए खा रहा हूँ तुम्हारे यहाँ, रोटी खाता नहीं हूँ। मेरे को आपकी एक या डेढ़ रोटी पचाने के लिए सुनोगे क्या करता हूँ, क्या करता हूँ, 24 घंटे पंखा तो चलता ही नहीं मेरे यहाँ, मैं खूब काम करता हूँ, 8 से 10 घंटे काम करता हूँ। मैं नहीं सोचता हूँ कि ये बच्चे बीमार है तो इसकी सब्जी मैंने बनाई, किसी से नहीं बनवाई मैंने, इसको हर चीज़ मैंने हाथों पे दी, दवाई जी वो जो कुछ करना है, बेटे आ जा। मैंने इस बच्चे से भी कहा था तुम मैं बीमार हो बेटे आ जाओ, पूछ लो अपने गुरु जी से, विश्वास हो तो आ जाओ हमारे पास, नहीं हम मत आओ हम क्या कर सकते हमें, अभी हम कोई फेमस डॉक्टर तो है नहीं कि कोई भी हाथ कर दे हाँ चले आ, चले आ, फेमस थोड़ी है वो तो, जब हम 25-50 साल बाद चले जाएंगे तब हमारी पियाती फिर सिद्ध होगी, तब कहेंगे हम शुक्र गुजार हैं बाल ब्रह्मचारी सुमत प्रकाश जी के जो जाते जाते लेके गए। और क्या करें, पंडित साहब की वहाँ से सुनोगे बेटे इस मामले में क्या कहते पंडित साहब, सुनी नहीं सुनी, पंडित साहब कहते बेटा हम नहीं होंगे तब तुम, ये भारत मुर्दों का देश है, जीवित की कीमत नहीं कर पाते, जीवित का मूल्यांकन नहीं कर पाते, और फिर वो क्या कहलाती मालाएँ चढ़ा, कहते कि नहीं कहते बोलो, गलत कह रहा हूँ तो वो समझिए, माला काय भी चढ़ा दो, फोटो पे माला चढ़ाने वाला देश है ये फिर रोटी पे आ जाओ, फिर भूल जाएंगे नहीं तो रोटी खाने के लिए मैं कितना पचाता हूँ पता है तुमको, जो मेरे साथ रहते देखो, मैं सुबह कितने बजे उठता हूँ, शाम को कितने बजे सोता हूँ, दिन में एक मिनट नहीं लेटता, 99% लाइफ के पार्ट में मैं दिन में नहीं लेटा हूँ, क्यों, जब दिन में लेटते हैं तो उसकी अलग से चर्चा करूँगा, वो अलग से चर्चा करूँगा, मैं करनाल योग नहीं बताऊँगा इसमें, आवश्यकता पड़ती है मैं भी लेट जाता हूँ, बिल्कुल मिनटों में 10 से 15 मिनट, 5 मिनट से लेकर 15 मिनट मैक्सिमम, चाहे भले ही रात में नहीं सोया हूँ तो भी मैं 5 से 15 मिनट के अंदर अपनी नींद पूरी करता हूँ, क्यों, जो दिन में सो जाते हैं उनकी रात खराब होती है, और रात में जिनकी खराब होती है उनमें से 99% वासना से घिर जाते हैं, वे एकांत में दुर्विचारों से नहीं बच पाते, इतनी बड़ी बात लिंक में कह दी आपको थोड़ी सी सारे में, इसलिए नहीं सोता हूँ, 1 से 1.5 घंटे की व्यायाम प्रणायाम है मेरी पूरी, बाल से लेकर के आँख से लेकर के, मेरी आँखों पे चश्मा नहीं आया, मेरी रोशनी ज्यों की त्यों है अभी, बिल्कुल ज्यों की त्यों, आप चेकअप कराओगे ना तो कुछ नहीं निकलेगा, एक अंगुल में 96 तो निकलेंगे वो अलग बात है। मैं अब वो पूरी चर्चा 20-25 घंटे में समझाई मैं क्या करता हूँ, आँखों के लिए क्या करता हूँ, दांतों के लिए, मेरे दांत झड़ रहे थे 10 साल पहले 8 साल पहले, एक बूंद खून निकले बिना दांत गिर गए मेरे, एक दिन भी दर्द नहीं हुआ, अपने आप ही गिर गए निकल गए, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया गिर गए होंगे, लेकिन फिर समझ में आया कि इनका दांतों का वो कैल्शियम कम हो रहा है, हड्डियाँ वीक हो रही हैं तो दांतों का कैल्शियम होने से जा रहे हैं, तब मैंने दांतों के लिए सोचा, अब मेरे दांत बिल्कुल नहीं गिर रहे 5 साल से दांत मजबूत हो गए हैं, पूरी दाढ़ें मजबूत हो गई, सब काम हो गए, और कछु नहीं करने पड़ रहा, क्या कर रहे पंडित जी हमें ही बता दो, हम सबके दांत हिल रहे हैं, मैं अभी गन्ना चूसता हूँ, गन्ना चूसता हूँ मैं, समय सिखा जी मैंने बहुत गन्ने चूसे, जिंदगी में नहीं चूसे उतने आप सबको भी कह रहा हूँ जिन्हें दांत मजबूत करना हो गन्ना चूसो, कि पंडित जी हिल रहे हो तो भी चूसो, मजबूत हो जाएंगे वहीं जम जाएंगे वे सारे सारे,
पेस्ट मत करना भूल करके, अभी टूथपेस्ट भूल के मत करना, टूथपेस्ट दांत गिर जाएंगे सारे। एक लाइन में समझा रहे हैं पूरी, एक दांत टूथपेस्ट कोई मत करना भूल करके भी, कर सकते हो तो वो आती बाजार से दांतुन, ओनली दांतुन करना, और 100 साल दांत गिरे तो मुझे बता देना, दांतों का पूरा इलाज मैंने उसमें बताया 1 घंटा। अब उसी में देख लेना भैया, हमने पूरी बात बताई, अभी पूरी नहीं बता पाएंगे, अद्धी पद्धी बताने से फायदा नहीं। दांतों का, आँखों का, हार्ट का, लीवर का, मैंने सारे इलाज बता दिए उसमें। जैनोपैथी में जाके पढ़ लेना, मेहनत आपको करनी पड़ेगी। चलो वापस रोटी, रोटी रह जाएगी तो रोटी पचाने के लिए मैं 80 हाफ पुशअप दंड और 30 फुल पुशअप, माने फुल दंड, दंड समझते हो ना, और 125 बैठक लगा रहा हूँ आजकल, पहले 150 लगाता था, अभी थोड़ा सा ऋतु बदल गई तो ठंडों में जितनी ताकत होती है उसकी आधी ताकत गर्मियों में होती है, और गर्मियों में जितनी ताकत होती है उसकी आधी ताकत बरसात में होती है। ये रूल मैंने क्या बोला, कौन बोलेगा बच्चों में से, बोल बेटे शाबाश खड़े हो, सुनना सभी लोग ध्यान से, काम की बात है मैं बता रहा हूँ। ठंड में जितनी ताकत होती है उससे आधी ताकत गर्मी, वेरी गुड, गर्मी में होती है। हाँ, गर्मी में जितनी ताकत होती है उससे आधी बरसात, बरसात, वेरी गुड। अब इस रूल का मतलब समझ लो, आपकी बीमारी की मूल जड़ इस रूल का पता नहीं है आपको, आपको इस रूल का पता नहीं है। क्या मतलब, आप ठंडों में भी 4 रोटी खा रहे थे, भात खा रहे थे, दाल खा रहे थे, और फिर जो एक्स्ट्रा खा रहे वो तो खा ही रहे थे, तले पे मंगोड़ा लीचा चीली काका बनाते थे वे खा ही रहे थे, और उतनी ही भोजन की खुराक आपकी गर्मी में भी होगी। पंडित जी कच्छू नहीं खा, 4 रोटी सुबह 4 रोटी शाम के, कच्छू नहीं, बस कच्छू नहीं। भले आदमी यदि 4 रोटी ठंडों में खा रहे थे तो गर्मियों में 2 रोटी खानी चाहिए, और गर्मियों में 2 रोटी खाते हो तो बरसात में 1 रोटी खाने चाहिए। फिर पंडित जी भूख को खा भाई, ये बीमार नहीं होगी और भूख भी नहीं लगेगी, जाके गारंटी हमारी, और तुम्हारी देह छूट गई तो हत्या को पाप हमें लगेगा, चिंता ना करियो। और कहा गया थे बोलो, हम आपको गलत नहीं बता रहे ना, मैं 1.25 रोटी 1.5 रोटी पचाने के लिए मैंने इतनी मेहनत करता हूँ, पूरी व्यायाम है मेरी, मैं कोई करे चाहे नहीं करे, ये लोग नहीं करते, कोई 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 करता है, समय शिखर जी में तो हम लोग 25 लोग एक साथ करते थे, बाकी सब अपने अपने व्यस्त रहते हैं, कोई बात नहीं, मैं किसी से जिद नहीं करता, लेकिन मैं लेकिन करता हूँ। दे चाहे कहीं हो, मैं दुनिया के किसी कोने में हूँ, मैं रेलगाड़ी में भी होता हूँ ना तो मेरी नहीं रुकती, 2-4 से चीज़ें नहीं हो सकती, दंड बैठक वगैरह, बाकी सब हो जाती है। प्लेटफार्म पे घूमता हूँ जहाँ ट्रेन रुक जाती है, अब जाम का है कछू नहीं, ताली बजा में हम कहा जाते, जे दांतों की व्यायाम है बहुत बढ़िया, बच्चा करते हैं ना बच्चे लोग बचपन, बस ये है दांतों को मजबूत करने की 4 एक्सरसाइजेस की, अभी नहीं बताऊंगा वो, आप देख लेना सीख लेना। हाँ बस तुम सीख गए, बहुत बढ़िया। चलिए तो एक रूल मालूम पड़ गया, आधी आधी ताकत वाला नियम, होता उल्टा है, बरसात में ही तो भजिया अच्छी लगा था, बरसात में ही का बन जा बरबरा बाबरा का बाबरा, और बरसात में ही तो वे सब खाए जाते पंडित जी, तुम क्या, आपको पता है विश्व की सबसे ज़्यादा बीमारी बरसात में होती है, और सबसे कम बीमारी ठंडों में होती है, देख ले जाओ। तो फिर पंडित जी फिर ठंडों में, हाँ ठंडों में बबरा खाओ, ठंडों में पकी हुई चीज़ें खाओ, तली हुई चीज़ें खाओ, मेवा खाओ, जब ही मेवा के लड्डू खाए जाते हैं, आपको बताएं घी में सेंक करके मेवा के लड्डू इसलिए खाए जाते हैं, मेथी के लड्डू खाए जाते हैं, रजगिरा खाया जाता है, ये ठंडों के लिए अनुकूल है बिल्कुल, लेकिन तले हुए पके हुए भोजन, ए पंडित जी आप पहली बार आए, पहले दिन हमें समोसे खिला रहे, हम ये ठीक है एक रख दो, नहीं मान रहे एक रख दो, एक समोसा 2 रोटी बराबर होगा, हम तो 4 से खेचे, और रोटी पूड़ी अलग से, धन्य तुम्हारी पाचन शक्ति,
हम क्या कर सकते भाई, हम तो नहीं खेल सकते। ए पंडित जी हमें कुछ खाओ ही नहीं, कैसे कैसे नहीं, हमें हम कैलकुलेट करते हैं। चलो दूसरा नियम बताता हूँ आपको। टाइम तो हो गया आपका, बोलो। हमें कुछ नहीं, हम तो बैठ रहे दिन भर, हमें कहा घर जैसे बैठे, सीधी सी बात है। मैं कुछ नहीं, जो लिख के लाया था वो तो रह गया, कुछ नहीं बचा पाया। अब सुनो दूसरा नियम, ये शरीर 70% पानी से बना हुआ है और 30% ठोस है। बहुत काम का रूल है, ध्यान से सुनना सब लोग। यदि आपके भोजन 20 साल की उम्र तक, ध्यान से सुनना सभी लोग, 20 साल की उम्र तक या 25 साल मैक्सिमम 25 साल की उम्र तक आप 30% अनाज खा सकते हो और 70% सब्जी, फल, फ्रूट, सूप, जूस। जल्दी जल्दी बताएं मैंने, फल, फ्रूट, सूप, जूस, सब्जियां, ये 70% खानी है और 30% 25 साल की उम्र तक, मैक्सिमम 25, मेरे हिसाब से तो 20, 18 से ज़्यादा नहीं, लेकिन मैक्सिमम खींचोगे तो 25 साल की उम्र तक आप 30% अनाज खा सकते हो और 70% वो। एक दिन घर में बैठ करके आप तोलो, आप चावल, दाल, रोटी, पूड़ी, सब्जी, नमकीन, नाश्ता, जो जो भी खाते हो वो अनाज में दिख करके तोल लो और इससे 70 रेशियो में उतनी फिर फल सब्जियां करिए, आपको ज़िंदगी में कोई बीमारी नहीं होगी 25 साल की उम्र तक। आपको पता होगा लगभग मैं समझता हूँ आपको छोटा सा बबलू है ना, छोटा सा, उससे लेकर के 25 साल तक भी सबके पेट साफ नहीं होते। और पेट साफ नहीं होने का एक मूल कारण है कि आप 70-30 का पालन नहीं करते। जैसे इतना सा पप्पू बीमार होता है, चाहे फोड़े निकलते हों, खुजली होती हो, आंखें खराब होती हों, सर्दी होती हो, फेफड़े के खांसी चलती हो, छोटे बच्चे की बात कर रहा हूँ, तो आप उसको 70-30 नहीं दे रहे। बस इतना सा रूल है, 70-30 दे रहे होते तो नहीं होता। पंडित जी हम तो कछु नहीं देते भाई, कछु नहीं देते भाई, तो हम कह रहे हैं जो देवे लाया के वो ही कछु नहीं देते, तो आप क्या देते हो? अब पंडित जी तो बड़ा मोड़ा, कछु तो खाए, खाते ही नहीं है रोटी, तो हम 2 रोटी दूध में मैश कर दिए, दाल में मैश कर दिए, छाछ में मैश कर दिए, और वो खेलत रहते ऐसे ऐसे खा ले, और वो खाना नहीं चाहता, इधर उधर भगता फिरता है, तो मम्मी बाबा को हाथ पकड़ के बैठ खा ले, और 2 रोटी को मैश करो। ये जो मैश किया हुआ भोजन बच्चे को देना है, ये बच्चे की जिंदगी भर की बीमारी की जड़ है। अब बता, हमने कहाँ कहाँ सोचा होगा, कहाँ कहाँ विचार किया होगा, तब हमने जैनोपैथी डेवलप की है तुम्हारे लिए। गलती कह रहे तो बोल देना, जबरदस्ती मैश कर करके तो फिर पंडित जी वो खाए नहीं, तो जब सुधा लगती है ना तो बच्चा ककड़ी चूसता है, कोई भी टुकड़ा मिल जाता है ना वो खाने लगता है। आप उसे रूखी रोटी का टुकड़ा पकड़ाना सीखो, सबसे छोटे बच्चे को कुछ मत दो, इतना सा रोटी का टुकड़ा दे दो, यदि उसे भूख लग रही होगी तो मुंह में चूसेगा और फिर नहीं भूख लगेगी तो फेंक देगा। अब बच्चा बीमार नहीं होगा और फुल टॉनिक चलेगा उसके पेट में, फुल टॉनिक चलेगा। ये कह रहा हूँ, बच्चे की एक बहुत सुंदर आदत है बच्चे की, आपको सिखाने की ज़रूरत नहीं बल्कि बच्चों से खाना सीखने की ज़रूरत है। आपको पता है बच्चा को दूध की मलाई आती है ना भाई, रुक जाता है दूध पीना, दूध की मलाई निकाल देता है। क्यों? क्योंकि बच्चा दूध की मलाई पचा नहीं सकता, वैसे इतनी सी मलाई आती है ना तो भाई उगल देता है। आप कहते हो बच्चा दूध उगल दे, दे दो, उसको पचेगा नहीं तो वो नहीं पीता। ये बच्चों से सीखने लायक है, बच्चों से। अब कहाँ तक बताऊँ, समझ में तो नहीं आ रही, बच्चों से सीखने लायक है बहुत सारी बातें। जैसे बच्चों को रसगुल्ला दो तो बच्चा तुम जैसे नहीं खाते, जैसे वो खाता वैसे तुम खाओ, तुम कैसे खाते, एक प्लेट में 4 रसगुल्ले ले, सीधा बच्चा कभी नहीं खाता ऐसा।
बच्चे को एक रसगुल्ला दे दो वो कटोरी में ऐसे ढांके घूमत, एक चीज खा रहा है। बोलो गलत कह रहे हो तो 100% बच्चे कैसे खाते हैं बोलो। अब बच्चों से सीखो, आप कभी बीमार नहीं होगे। अब बहुत सारी बातें आ रही दिमाग में एक साथ, मैं बता ही नहीं पाऊंगा, ये तो पक्की बात है, आप पूरे सुन लेना। उसमें जो इस टाइम में बता रहा हूं उससे जैन चरणानियों का एक गुण का पालन होगा, ऊनोदर। ऊनोदर कहो बेटे, कल सब लोगों हमने खीर खिलाई थी, कैसी लगी थी? क्यों अच्छी लगी थी खड़े होकर बताओगे बेटे? कैसे खाई थी बताओ, तुम बताओगे? कोई और से पूछे, इज्जतदार हो तो बैठे रहो। बोलो कौन बोलेगा? अरे तो खड़े होकर बता दो, शर्म आ रही। हम बता रहे चलो, कोई शर्म की बात थोड़ी, यही है गुरु आज्ञा, ये समझ लो सब, बड़ी सरलता। इन सबको हमने कहा था आधी आधी चम्मच खीर खाना, जितनी है अतिथि समिवाग सब बांट के खाओ, सब बांट के खाना और एक उंगली से खाना। खीर और रबड़ी एक उंगली से खाई जाती है, तो ऊनोदर से आपको इतनी तृप्ति मिलेगी, इतनी तृप्ति मिलेगी, आप कहोगे मजा आ गया, 15 मिनट में पूरी होगी वो, और तुम्हारा 5 मिनट 2 कटोरा सटक जा। बीमार तो हो गई, बीमार ही हो गए, गारंटी है बीमार हो गए, और तृप्ति की तृप्ति नहीं मिली। चम्मच का प्रयोग कभी करना ही नहीं चाहिए। दोनों दर और तीनों दर करना हो तो चम्मच का प्रयोग करना चाहिए। बहुत सारी, अब मैं पूरी बातें बता भी नहीं पाऊंगा, जितने मेरे दिमाग में है मैं लिख दी, और सब उसमें वीडियो में है पुरानी। आप खाने का सिस्टम मैंने 2-3 घंटे में सिखाया है, पीने का सिस्टम 2-3 घंटे में सिखाया है, और कौन कौन सी बातें जो बता रहा हूँ ना ये सब। चलो तो बच्चों से बहुत सारी चीज़ें सीख लेना, थोड़ा थोड़ा खाना। यदि आपको 50 ग्राम घी खाना हो तो डॉक्टर कभी नहीं खाने देगा, आपको मना कर देगा, आप बीमार हो, हार्ट अटैक हो जाएगा, मर जाओगे। और मैं हार्ट अटैक वाले मरीज को भी 50 ग्राम घी खिला सकता हूँ, 250 ग्राम रबड़ी खिला सकता हूँ, वो मरेगा नहीं। पंडित जी पढ़ तो तुम तो ही शरणम। हाँ तो अच्छी बात है, मैं तो भगवान का प्रतिनिधि हूँ, आप मेरे पास आओ तो मेरी शरण नहीं, मैं इसका विज्ञापक हूँ। तो कैसे खाओगी? मई जून की गर्मी में जिन्हें उपवास करना होता हो निर्जल कर सकते हैं। अभी लोग हिम्मत हारते हैं, भैया मई जून की गर्मी में निर्जल उपवास कैसे करें, है ना, बड़ी तकलीफ है कि नहीं जी? ओंट फट जाएंगे ठंडों में, फला में, गर्मी में पित्त भड़क जाएगा। इस सब के इलाज मैंने लिखे भी हैं और बताए भी हैं, उपवास कैसे करें, बहुत लंबे उपवास कैसे करें, निर्जल उपवास कैसे करें, सब लिखा है मैंने। एक दिन पहले शाम को अनाज मत खाइए, आप निर्जल उपवास अगले दिन करना है तो एक दिन पहले शाम को मत लीजिए। दूध ले सकते हो, शाम को फल ले सकते हो, रस ले सकते हो, रस माने चम्मच से। चम्मच कितनी छोटी चाहिए? इतनी बड़ी बड़ी चमचा नहीं चाहिए। यदि आपको चम्मच से खीर खाना हो, किसी को खाना ही हो चम्मच से, तो बाजार में जो हनुमान जी के मंदिर में चढ़ देते ना पीतल की, वो तांबे की इतनी छोटी वाली हो चमची, क्या कहलाती हो, गंधोदक देते, चरणोदक देते, क्या देते हो, हाँ चरणामृत कहला क्या, वो इतनी सी चम्मच होती छोटी साइज वाली, आप उससे खीर खाओ, खाना ही हो तो उसी से अमरूद खाओ, उसी से आम खाओ, उसी से रस पियो, उसी से आप कभी बीमार नहीं होगे। अब नई चमचा धड़ 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 और बातें और करते जा रहे ताकि चबे ही ना बिल्कुल। बहुत सारे रूल्स हैं, मैं बता नहीं पा रहा हूँ, सिलाई वाले रूल्स बहुत खंडित होते हैं आपके, लार वाले, और बिना लार के जितनी चीज़ अंदर जाएगी 100% बीमारी बने आएगी। अभी तुम सोच भी नहीं सकते, आप लोग ककड़ी से बीमार हो जाती हो, बोलो ये ककड़ी से? ककड़ी तो शुद्ध शाकाहारी है, सुन लो, ककड़ी से बता रहा हूँ मैं आपको, सुन लेना, मैं ककड़ी नहीं खाता, कल मैं भोजन में 2-3 दिन से ककड़ी नहीं खाई। सबको लगा ककड़ी तो बहुत अच्छी लाए, देसी लाए, बढ़िया लाए, गांव की लाए, नहीं तुम लाए तो नहीं, मुझे चबाने का टाइम चाहिए। यदि मैं फुल भोजन करूँगा तो फिर 1.5 घंटा बैठूँगा चौका में आपके। कल वो लौकी का कलाकंद बना दिया और परस दब, हमने छुआ ही नहीं, कहा उत्ता सा कलाकंद खाने में हमें 15-30 मिनट चाहिए।
ऐसे कैसे खाद, हम तो ऐसे भर के घुटक के मामे का पानी पी लू, भर से ठसकने लगे। नहीं, हम नहीं करते, हमें उतना सा हलवा खाने के लिए लौकी का, आप पूछे इन लोगों से, मैं अकेले में बैठकर एक डेढ़ घंटे में रोटी खा पाता हूँ अकेले में, जिसमें रोटी नहीं खाता। पूछ लो, देख लेना कभी उसमें क्या दिक्कत है। अब ककड़ी की सुन लो, पूरी ककड़ी ककड़ी सुना रहे हो, ककड़ी ऐसी खाई जानी चाहिए कि यदि आप वॉमिटिंग करो तो जूस निकले, इतना सा भी टुकड़ा ना निकले तो आप बीमार नहीं होंगे। यदि ककड़ी आपने खाई है, उसके बीज खाए हैं और पट 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 उटक गए आप, तो आप एक तो तीन चार खा लोगे तो अभी पेट नहीं भरेगा, और मेरे हिसाब से आप केवल 100 ग्राम या 150 ग्राम ककड़ी खाओगे, लेकिन इतनी चबाना कि वो जूस बन जाए, मिक्सी में जैसे जूस बनता है ना, ऐसे जूस बन जाए, तो वो ककड़ी आपको कभी बीमार नहीं करेगी। और जो आपने ककड़ी खाई हो, जो इतने बड़े बड़े टुकड़े गए हैं, टमाटर का छिलका गया है, किसी भी फल या सब्जी के इतने बड़े बड़े टुकड़े गए हैं, ये जाते से ही बॉडी में एसिड बनाते हैं, और एसिड बनाने से आंखें ख़राब होती है, एसिड से हार्ट में जलन होती है, लीवर सिकुड़ता है, लीवर में शक्ति कम होती है, लीवर बहुत सूजन आ जाती है, आंतों में बहुत सूजन आ जाती है, और सारी बीमारियों की जड़ है ये। इसलिए आप चाहे रोटी के टुकड़े जाएंगे पेट में, दाल दलिया पेट में जाएंगे सीधे सीधे, जो भी चीज़ बिना जूस बने अंदर जाएगी, बीमारी की मूल जड़, जो भी चीज़ बिना चबे टुकड़े में अंदर जाएगी, वो उसी दिन, अगले दिन नहीं, 10 दिन बाद नहीं, 10 महीने बाद नहीं, उसी दिन एसिड बनाएगी। जिस दिन भी किसी भाई बहन को खट्टी डकार आ गई हो भोजन के बाद, इसका मतलब है कि शाम को 4 बजे उन्हें कुंजल करना है, बर्दाश्त नहीं करना है, 4 बजे पानी पीकर गरम गरम, गरम माने कुनकुना, नमक डाल करके 1 लीटर पानी में 1 टीस्पून नमक डाल करके घोल करके पी जाओ फटाफट, और सारा निकाल दो, तो आप फिर ज़िंदगी में उससे आगे की स्टेज की कोई बीमारी आपको नहीं होगी, आगे की स्टेज की कोई भी बीमारी नहीं होगी, आपने फर्स्ट स्टेज में ही उसको सही कर लिया। आप कुंजल कर लो, कितना सरल इलाज है बताओ, मैं आपको क्या बताऊँ, इतनी सी गलती में मेरे कितने साथ आदमी मर गए, खट्टी डकार आ रही थी, खा के आए थे चाट पकौड़ी और ज़्यादा खा गए, अक्सर खट्टी डकारें आती हैं जब डफर सिस्टम में आप खा के आते हो, क्या खड़े खड़े खाते हो और चबाते नहीं हो, और ज़्यादा खींचने की हिम्मत रहती है, 11 रहे हैं आखिर, मैं जितने भी रहे हूँ तो ज़्यादा खाने की इच्छा रहती है, और टेस्ट ही दिखता है ना, भूतो ना भविष्य ही। तो ऐसे समय में आप खुद चेक कर लें, जो भोजन करके आते हैं उन्हें खट्टी डकार आती है कि नहीं, रात को नींद में बेचैनी होती है कि नहीं, इसको हम हिंदी में कहते हैं आयुर्वेद में अपच, होता है कि नहीं। अब ये है बीमारी की मूल डायग्नोसिस, मूल तो नहीं है, मूल थोड़ी सी बताई अभी तो आपको, लेकिन अब वो मेरा काम है, मैं डायग्नोसिस करता रहूँ आपका, लेकिन मैं आपको जो कह रहा हूँ वो आप कर लोगे तो मैं गारंटी देता हूँ आपका एक भी नियम टूटे बिना। मेरा सपना क्या बताया था मैंने बचपन का, मुझे लेनी नहीं है, और मुझे समाधि तक स्वस्थ रहना है, मुझे ICU में नहीं बनना है, और पूर्ण होशो हवास में बनना है। इसकी तैयारी के लिए मैंने जैनोपैथी डेवलप की, एक्सप्लोर की है, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा उफन गया दूध, पूरा तो नहीं उफन सका, थोड़ा सा बता दिया आपको, ठीक। तो खाने का चबाने का ढंग सीखना, वो मैंने पूरा बताया उसमें जैनोपैथी में, अभी मैं पूरा नहीं सुना सकता। और बोलो क्या समझा दें, और कोई बात बताओ भाई, और पूछना तो पूछ लो, 10 बज गए हमारी घड़ी में। देखो एक चीज़ और बता दे रहे, कोई सी बीमारी हो, अब बीमारियों का इलाज करवा दे रहे, कोई सी बीमारी हो, तो आपको सबसे पहले चाय कॉफ़ी छोड़नी है। चाय कॉफ़ी पीने वाले, नशा करने वाले, तम्बाकू खाने वाले, ये अपनी इम्यूनिटी ख़राब करते हैं, ये मैं नहीं कहता हूँ, एलोपैथी कहती है। एलोपैथी में जाके आप पूछ लेना, पता लगा लेना, आप कहोगे तो मैं आपको ढेरों एलोपैथी के सर्टिफिकेट सबूत साक्षी दिखा दूँगा। इसके बाद आपने यदि त्याग नहीं की हो हरी पत्तियों का,
तो मैं हरी पत्तियों के नाम बता रहा हूँ, आज आपके पास आ जाएगा छपा हुआ मैटर। मैंने लिखा है सर्व सामान्य चिकित्सा। सर्व सामान्य माने ए टू जेड हर व्यक्ति ये कर सकता है। क्या करना है, प्रातः काल उठ करके सबसे पहले भगवान के जिन मंदिर के दर्शन करो। सुबह जल्दी उठते हो तो सामायिक करो, आलोचना करो, प्रतिक्रमण करो, भगवान का स्मरण करो। यथा योग्य शक्ति को छिपाए बिना स्वयं पर के हित का विचार करो। ठीक, इसके बाद चल करके लगभग 250 ग्राम पत्तियां लेनी है आपको। जो सूखी पत्तियां लेते हैं तो उनको अब क्या कह रहे हैं, तो डबल मात्रा कर ले। जैसे मैंने इसमें लिखा है 5-7 पत्तियां पुदीना, 5-7 पत्ती तुलसी, तो आप उसकी डबल कर लीजिए, क्योंकि सूखी पत्तियों में ताकत कम होती है, तो हमें डबल लेनी पड़ेगी। और नहीं तो अब ताजी पत्तियां, हरी पत्तियां औषधि के रूप में रखे हों, त्याग नहीं हो। मैंने इसमें लिखा आत्याज्य, यदि त्याग है तो मत लेना, क्योंकि मेरी एक शर्त है कि जैनोपैथी में मैं आपका एक भी नियम नहीं तोड़ाऊंगा। इसलिए ये प्रचार नहीं कर देना, ओ पंडित जी पत्ती खावे की क्या है, पत्ती में तो इतने दोष है भैया, मत खाओ, मत लेना, हम जबरदस्ती नहीं कर रहे। लेकिन यदि आप एलोपैथी लेते हो और हरी पत्ती का त्याग करते हैं तो अन्याय है। इसको लिखा है अक्रम त्याग, टोडरमल जी ने इसको अक्रम त्याग लिखा है। आप एलोपैथी ले लेते और धनिया पत्ती में तुम एला बड़े त्यागी बने फिर रहे। इसलिए मेरी बात समझना, मैं साफ साफ कह दी, मैं जानता हूँ मेरी बदनामी करने वाले भी तुम ही लोग होगे, बहुत बेकार पंडित जी है, बताओ धनिया पत्ती हमने जिंदगी से ना खाई, जे खुआ रहे, और हम कह रहे अंडा कब से खाओ तुमने, दवाई क्या खाए, मत का मैंने बहुत दुख होता है। अच्छे अच्छे लोग वहाँ चले जाएंगे आईसीयू में, तो समझ लो यदि आपने त्याग नहीं किया हो तो ये पत्तियाँ मैंने नाम लिखा है, तुलसी, पुदीना, आम, आम के पत्ते 5-7 पत्ते, आम के, अमरूद के, शीशम के, जामुन के, धना के, इतने इसलिए लिख दिए कि जो मिल जाए। लगभग पत्ते, आम के पेड़ के पत्ते, अमरूद के पेड़ के पत्ते, आम के पत्ता तो होते ही बेचारे की, आम तो अपन खा जाए, वो तो पेड़ के ही। अमरूद के पत्ते, जामुन के पत्ते, धना और बेलपत्र, मीठी नीम, कड़ी पत्ता, पीपल के 5 पत्ते हार्ट के लिए बहुत अच्छे हैं, जिनकी इम्यूनिटी कम हो किसी की भी, तो 5 पीपल के हरे पत्ते, नाजुक वाले जो आते हैं छोटे से नए, ज़्यादा मैच्योर वाले नहीं, थोड़े से कोमल पत्ते, 5 पत्ते 1.5 लीटर पानी में उबालकर 1 लीटर कर लो और दिन भर उस पानी को पियो, दी बेस्ट इम्यूनिटी देने वाले हैं वे, हार्ट के लिए, लीवर के लिए, किडनी के लिए, हर एक चीज़ के लिए, तो वो आप ले सकते हैं, है ना। गिलोय के पत्ते, इनमें से जो जो आपको अवेलेबल हो जाए, संख्या लिखी हुई है इसमें, आप उतने पत्ते लेकर के मिक्सी में 1 गिलास पानी डाल के उसको क्रश कर लो, पीस लो, पानी के छन्ने से छान लो, और फिर वो चिन्नामृत वाली चम्मच से पी लो। ए भैया इतनी तो देर लगेगी, हम तो कूड़ दिए, ये भी बड़ी आफत है। जो लोग काढ़े ठंडे कर लेते हैं, काढ़े वगैरह उबालते हैं घरों में, और वे धड़ से कूड़ के चलते हो ना, देखो बहुत धैर्य की जरूरत है। दवाई पेट में जाने वाली कभी काम नहीं आती, लिख लो, विश्व में एक भी दवाई पेट में जाने के बाद काम नहीं करती। जो दवाई यहाँ लार से मिक्स होती है, सलाइवा से युक्त होती है, वो दवाई काम करती है। इसीलिए आपने देखा वो आयुर्वेद में कुछ चीज़ें चूसने को कहते हैं, जैसे लोग हर पीसी, हर उबाली और पी गए, कच्चू पाए जा रही, हर को 1.5 घंटा लगा मुंह में, धरे रहो धैर्य के साथ अंतर मूर्त केवल ज्ञान तक। अब तो धैर्य ही नहीं है, आप देख ना बच्चों से कह दो गोली चूसो, नहीं चूस पाए, बहुत थोड़ी देर चूसा फिर बीच चमाच चले जाते। अब जे धैर्य आपको रखना पड़ेगा यदि स्वस्थ होना है, तो सिंपल रास्ते, मैं कोई आपको कठिन रास्ते नहीं बता रहा हूँ। एक दो बात और याद आ गई, पहले इलाज पूरा बताऊँ, वही बता दूँ पहले जो याद आ गई। किशमिश कभी भी 5 से ज्यादा नहीं खाना, इतनी गंदी आदत हो, ए मुठ्ठा भर तो खा लू,
आपको पता है किसी को गर्मी के दिनों में बहुत चक्कर आ रहे हो, बहुत अंधेरा दिख रहा हो, दिमाग काम ना कर रहा हो, हाथ पैरों में शक्ति ना हो, बहुत तकलीफ हो रही हो, जलन हो रही हो, घबराहट हो रही हो, उनके लिए दो किशमिश मुंह में दबा लो आधा घंटा, आपको पूरी ताकत आ जाएगी। ओनली दो किशमिश या दो मुनक्का, पिंड खजूर कितनी खाना चाहिए ठंडों के दिनों में रोज? पंडित जी हम कहूँ कहूँ तो मिला सो खा ले 200-250 ग्राम, बस ये बीमारी की जड़ है। दो पिंड खजूर से ज्यादा नहीं चूसना चाहिए, खाना नहीं कह रहा हूं, क्या कह रहा हूं? ए पंडित जी तो फिर हमको दिन भर खाओ होते ही रहे, तो को कह रहा मत खाओ, ऊन उधर करो, जितना खाओ तरीका बता दिया मैंने खाने का, अभी मैंने कुछ नहीं बताया जैसे समझो कुछ बहुत बड़ी बात है, हम क्या करें, हम बताओ, ये तो एक प्रेरणा देनी थी इसलिए आज इतनी बात ले ली मैंने, नहीं तो मेरी इच्छा थोड़ी होती इन चीज़ों को पढ़ाने की, लेकिन फिर भी एक करुणा भी समझ लो, मैत्री समझ लो, बात्सल्य समझ लो, जो तुम्हें समझना समझ लो, कह दिया। तो इनके पत्ते का रस लेना सुबह खाली पेट, पर डे महिलाओं को पुरुषों को जो भी स्वस्थ भी हों और जिंदगी में बीमार नहीं होना उनको, और जो बीमार हों उनको भी, चाहे कान का दर्द हो, चाहे सिर की तकलीफ हो, चाहे हार्ट की तकलीफ हो, कोशिश ये करें यदि आपके घर में खेत हो, मिट्टी की ज़मीन हो बढ़िया, तो वहाँ पर बैठ करके काम करो अथवा लेट करके रहो, समझ गए? आप जितना ज़मीन पर जुड़ेंगे आप पूर्ण स्वस्थ हो जाएंगे, गारंटी है आपको। जब भी कभी भयंकर दर्द हो आप ज़मीन पर लेट जाएं, कहीं भी कोई दर्द हो आप जितनी प्रकृति की ज़मीन पृथ्वी पर लेट जाओ, पृथ्वी माने डंबर पे नहीं, मिट्टी, और खाद रहित मिट्टी हो तो दी बेस्ट। आप बाग बगीचे की जगह हो, एक चादर बिछा लो हल्की सी, और सुरक्षित यदि आपकी जगह हो तो महिलाएं भी लेट सकती हैं, नहीं तो पुरुष। मैं जो बनाने जा रहा हूँ ना जी, मेरा विकल्प था बनाने का आचार्य कुनकुन साधना वसधि, समाधि वसधि, उसमें महिलाओं की और पुरुषों के लिए अलग अलग स्थान बनाने का मन था, अब वो नक्शा भी मैं नहीं बताऊंगा आपको, उसमें ये सब व्यवस्थाएं होती। आप ज़मीन पर ज़रूर लेटें एक दो घंटे, बैठ करके काम करें ज़मीन पर, कपड़े धोने का काम महिलाएं हाथ से करें, बासी मशीन से ना करें। हाँ चक्की आटा पीस सकते हो तो भले 250 ग्राम रोज पीसो, जिंदगी में सारी बीमारी निकालने का तरीका है 250 ग्राम आटा पीसो। हैं पंडित जी वही तो हम करन नहीं चाह, अरे तुम 250 ग्राम आटा पीसोगे सोचो, आप पंडित साहब को किसी भी घर में निमंत्रण कर लोगे। अब इसीलिए तो बस सोचते वहाँ चक्की ले पंडित जी, अब क्या करें, मालूम कैसी गंदी भाषा बोलती, तुम अच्छे हो पंडित जी, न चक्की को चक्कर न कुआ को चक्कर, तुम बढ़िया। और मुझे इतना दुख होता है ये सुनकर के, हाँ तुम्हें भावलिंगी संत चक्कर दिखाई दे रहे हैं, तुम्हें हमारे पंडित साहब चक्कर दिखाई दे रहे हैं, भक्ति कहाँ गई तुम्हारी? खैर आगे तुम जानो, बैठ के या लेट कर ये हो गया, लिख दिया। भोजन बनाना, कपड़ा धोना, आटा पीसना, मसाले कूटने से आप सदा स्वस्थ रहेंगे जी। हमने पूरे सर्व रोगों का इलाज बता दिया, पुरुष अपने हिसाब से कर लेवे, महिलाएं अपने हिसाब से कर लेवे, हो जाएगा काम। अब एक काम कर रहे, तृप्ति तो हमें भी नहीं मिली बता के कछु, लेकिन कुछ ना कुछ तो मिल गया आपको, कुछ ना कुछ मिल गया। एक बात और याद आ गई सुन लो, रस पीने से बात रोग होते हैं। आप गन्ने का रस पी लेते हो, कहा के ठंडा ठंडा पानी फ्रीज का और बोतल गड़गड़, ये टोटली नहीं पीना चाहिए। टोटली पानी पीने का तरीका है, गिलास में चाहे कितनी भी प्यास लग रही हो, कितनी भी गर्मी हो, चम्मच से पानी पियो। एक गिलास पानी में फुल प्यास बुझेगी आपकी, और अभी आप 4 गिलास पानी पी करके भी नहीं बुझा पाओगे। ठंडा नहीं पियो, कभी नहीं पियो, कभी नहीं पियो। ठंडा पानी पीने से बात की बीमारियां होती हैं, जितनी बात की बीमारियां ठंडे पानी से होती है और रस पीने से होती है। मैं रस पीने का सख्त विरोधी हूँ, कोई सा भी रस नहीं पीना चाहिए। इसीलिए मैंने कहा था आप प्रतिदिन गन्ना चूसो, इतना चूसो, इतना चूसो, इतना चूसो, गन्ना चूसो। सुनना ध्यान से,
गन्ना चूस कर खाने से बात रोग का इलाज होता है। जिन्हें कोई सा भी बात रोग हो वे गन्ना चूस लें, चने चबा लें, 8-10-12 चने चबाएं, धीरे धीरे चबाएं, जब मसूर जल्दी जल्दी हो जाए, हो सकता है बुढ़ापे में दांत कमजोर हो जाए तो अपन नहीं खाते चने, तो आप 5 चने खाओ, लेकिन जब तक जूस नहीं बन जाए तब तक चबाओ, आपके सारे बात रोग खत्म हो जाएंगे, पूरे शरीर के बात रोग। लेकिन चबा चबा के चूसना है, ये ध्यान रखना है आप, ठीक है। वो हमने मैंने कहा ना अभी, मैंने एक आपको PDF भेजी है, उस PDF में मोतियाबिंद का इलाज लिखा हुआ है, और करना चाहिए ये जो अभी बता दिया, करना यह है, और कुछ भी नहीं है उसमें भी इलाज, आंखों की कुछ व्यायाम है, खान पान सही करना है, जीवन पद्धति सही करनी, जो इतनी देर में बता दी वो इलाज है उसका पूरा। मैंने फिर कह रहा हूँ दुनिया की सारी बीमारी का इलाज आपको बता चुका हूँ 1 घंटे में, ठीक है। विश्राम, और कुछ पूछना है किसी को? सब बता दिए, वैसे कोई पूछने की जरूरत नहीं है। बाकी आप जैनोपैथी नाम से पढ़ लेना, आज हम 2-3 फाइल आपको पहुंचाएंगे, आप अपने अपने रोग के हिसाब से उसमें देख लेना। चलिए।